नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। देश में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। नागरिकों की समस्याओं के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महायोजना के लिए जनपद के सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बोर्ड के बैठक में रखकर दिया जाएगा पास। रंग कर्मियों के लिए बड़े हॉल का किराया 50,000 व छोटे हॉल का किराया 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव हुआ पास। चार जून को प्रस्तावित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर बनी चैंपियन। गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। कहा, रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की गई अपील। सोनबरसा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा तथा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत तथा समस्या का समाधान हेतु दिए सुझाव। पूरे विश्व में मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस। एमडीएचएस डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, तंबाकू खाने से हर साल 80 लाख लोगों की होती है मौत। और खोराबार टाउनशिप में जीडीए के द्वारा मेदांता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जा रही है तैयारी। हॉस्पिटलों से की जा रही है बात, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिमाचल के शिमला से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 5 राज्यों की योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि के 11वीं किस्त का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया, जिसका सीधा प्रसारण एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। वहीं नागरिकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गरीबों की भलाई के काम कर प्रधानमंत्री ने गैर बराबरी समाप्त की। मोदी के प्रयासों से 8 वर्षों में आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, जिससे किसानों का भी कल्याण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अवधारणा देश भर में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जनता के साथ सीधे बातचीत करना है। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, खाद्य एवं
उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के आतिथ्य में सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान वैज्ञानिक उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन आज मोदी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। उस ताकत को मोदी ने विश्व के राजनीतिक मंच पर इस तरह से प्रत्यायोजित किया कि दुनिया का कोई भी राजनीतिक मंच भारत की अनदेखी या उपेक्षा नहीं कर सकता है। हम सब निश्चित रूप से उनकी 8 साल की यात्रा पर गर्व व गौरव का अनुभव कर सकते हैं। जहां तक गांव गरीब किसान का सवाल है, तो सभी भलीभांति जानते हैं कि सरकार हमेशा इसी तबके के लिए समर्पित रही है। गांव में एक जमाना था जब अधोसंरचना की बहुत आवश्यकता थी। एक से दूसरे गांव जाने के लिए हफ्ते हफ्ते का समय लगता था। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। वो काम पूरा नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी काम को तेजी से आगे बढ़ाया और गांव में लाखों लाख संख्या में सड़कें बनाई गई हैं। हर बड़े स्थान में गांवों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल सड़कों पर बजट 15,000 करोड़ रुपए का था और इस बार गांवों की सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर एनएक्सी भवन में सदर सांसद रवि किशन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा, जितनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है, उतनी बड़ी संख्या में बैंक यहाँ पर स्थापित नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कोरोना काल भी बढ़ा, प्रदेश में बीसी सखी की जयंती को प्रोग्राम को आपने बढ़ाया था, तो सबके मन में संशय था कि क्या महंगाई काम कर पाएंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से महिलाओं के कार्य प्रश्नों खड़े किसी कार्य को सभी प्रश्नों को जवाब अपनी मेहनत से आप लोगों ने करके दिखाया है। और आप जैसे लगभग 56,000 से बीसी सदी से जुड़ी पहले अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश में बैंकिंग सुविधा हर घर तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही सब करने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया। बैंक की सुविधा हर घर तक पहुँचाना भी इसका एक अवसर रहा है। और मैं आपको देखता कि आपको आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपके परिवार के सदस्यों को भी, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपकी मदद कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोग समाज के इंसान हैं, इसलिए इंसान हैं कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होकर के समाज को स्वावलंबी की ओर अग्रसर करना है। आप जैसे किसी सभी उस कार्य में बहुत कंट्रोल घायल हो सकते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका मेहनत करना शासन की योजनाओं के बारे में आप लोगों को बोलेंगे तो आपका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि बेटी के जन्म बेटी के साथ ही कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बारे में होना चाहिए धर्म बाल विकास विभाग के इसके बारे में जानकारी देने से सभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
Thank you.
बोल रहे हैं। किसान भी चूना को याद करेंगे,
हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 15 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को आज वर्चुअल संवाद किया गया है, और गोरखपुर में पीएम किसान निधि में 5,24,000 जो हमारे किसान हैं उसमें जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किस्त ट्रांसफ़र की गई है उसका लाभ मिला है। इसके साथ जो हमारे समूह हैं
हमारे समूह में 648 समूह हैं और जिसमें जो है 15,000 के हिसाब से जो आरएफ का फंड है वो ट्रांसफ़र किया गया है और ये पूरा वर्चुअल संवाद 9:45 से लेके अभी तक जो कंप्लीट हुआ है जिसमें सारे लाभार्थियों ने उसको सुना है और इसको जिस तरह के निर्देश थे उस तरह से पूर्ण कराया गया है। इसके साथ साथ हर ब्लॉक में हमारे भी ये इसका लाइव प्रचारण हुआ है कि जो हमारे KVKs है कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे भी इसका लाइव प्रसारण हुआ है। हर केंद्र पे 500 से ज़्यादा लाभार्थियों ने इसको सुना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो तेज है, जो शक्ति है और जो उनका क्रेज़ है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसके बारे में जानना गोरखपुर की न्यूज़ द्वारा मैं सबको बताना चाहूँगा। मैं गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ल, मेरे गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम चल रहा है और गरीब कल्याण योजना है उसके द्वारा मैं आज लाभार्थियों से यहाँ पर बात हो रहा है और आपके भी जितने दर्शक गण मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो जानना उनको ज़रूरी कि प्रधानमंत्री किसान निधि से अभी तक 5,84,000 लोगों को लाभार्थी हुए, फायदा हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि से 17,000 सबसे बड़ा लाभ जो आप लोग जानना चाहिए और अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के एक सांसद के रूप में निवेदन है मेरा कि आयुष्मान भारत का कार्ड आप लोग ज़रूर बनवाएं। आप लोग नहीं बनवा रहे, आप लोग इसकी महत्वता नहीं समझ रहे। 5,00,000 रुपए का इलाज मुफ्त आपका होता है। 5,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और अभी तक खाली गोरखपुर में 78 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री दे चुके हैं और 68,000 लोगों का इलाज हो चुका है। तो ये तो आप लोग तुरंत करवाइए। मकान मिल रहा है, घर में नल जल से आ रहा है, गैस कनेक्शन हो गया, चूल्हा हो गया, उसके आंकड़े मैं गिनवाऊंगा तो बहुत बड़े आंकड़े हैं गोरखपुर। ये आंकड़े हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं लाभार्थियों को, तो मैं चाहूंगा। लेकिन आप लोग आयुष्मान, मेरा जो जोर है आयुष्मान भैया हो, आयुष्मान भारत का कार्ड ले लिया, 5,00,000 रुपए का आपको पूरा लाभ मिलता है। बाकी मकान जिक्रे पास नहीं, बा हमसे संपर्क करा, जोन बीचर जो जो सुविधाएं हैं प्रधानमंत्री जी की आप लोग मेरे कार्यालय से आके जरूर लें, उसको जानकारी लें और उसका आप लोग लाभ लें। मैं चाहूंगा आप लोग लाभ लें, आप लोग लाभ लें, लाभार्थी बने। हाँ, वो भी आज और वो बहुत बड़ी रकम है। प्रधानमंत्री किसान निधि से 5,24,000 लोग लाभार्थी रहे गोरखपुर में, तो आज तो बहुत मतलब ये सौगात है। 8 साल बेमिसाल हुए उसी को वो बता रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के गोरखपुर पहुंचने पर सुबह लगाए जाने वाली जनता दरबार में लगभग 800 से ज्यादा फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिसमें की बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों के फरियादी शामिल थे। इसमें कुछ फरियादियों की समस्याएं ऐसी थी जिनका थाने स्तर पर ही समाधान किया जाना चाहिए था, लेकिन थानेदार व अधिकारियों द्वारा उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसीलिए जिले के सभी अधिकारी जन समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए जिन थानेदार द्वारा जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है उनको हटाकर किसी दूसरे तेज तर्रार थानेदार को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि जनता की समस्याओं का थाने पर ही समाधान किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण हो। अगर कोई अधिकारी जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये खास बैठक अभी करने का जरूरत पड़ा। कल रात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब, ADG लॉ एंड ऑर्डर साहब, हम सब लोग की माननीय मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा हुई थी। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई पड़ रही है। कैन समबडी जस्ट रेज योर हैंड एंड कंफर्म दैट योर ऑर्डर। ओके, थैंक यू। तो कल इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल में चर्चा की और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराजगी जाहिर की। वे कल ही जो है जनता दरबार में जो पब्लिक को सुनते हैं, कल उन्होंने सवेरे सुबह सुना था और लगभग 800 लोग उनके सामने उपस्थित थे।
जिसमें लगभग निपटारा या तो थाने पे हो जाना था या तहसील पे हो जाना था, ये जिले तक भी नहीं जाना था। उसको जो है केवल 50 केस ऐसे होंगे जो उन्होंने मोटा मोटे बताया कि केवल 50 है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो है ये केवल गोरखपुर में गया था, तो गोरखपुर के लोग क्यों नहीं थे, बल्कि न केवल गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल के तो काफी सारे लोग आए थे। केवल गोरखपुर जनपद में भी अगर किसी को अंतिम छोर से आना और ये सुनवाई हो रही सवेरे 7 बजे, अगर किसी को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आना हो तो 7 बजे आने के लिए कितना वक्त लगेगा, लास्ट में किसी को आना हो कितना वक्त लगेगा, बस्ती मंडल में उसको लास्ट में आना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, लखनऊ मंडल से कराना हो अम्बेडकर अगर पश्चिम के जनपद है तो यानी सवेरे सवेरे 7 बजे तो कब चले होंगे। और वो ये भी बता रहे थे कुछ एक तो लेडीज की बातें हैं और उसके बावजूद लोग अपनी समस्या का निदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थित होने के लिए कितने घंटों की यात्रा करी, इस बात पे उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की। इसके पहले भी जब पिछले बार जब हुआ था तो उस बार भी जब सामान्य तौर पर एवरी ट्यूजडे करता हूँ और आज भी 6:30 बजे करूंगा, जो सारे कलेक्टर्स और कमिश्नर होते हैं उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारी बात संबंधित SSP SP गुड गवर्नेंस के लिए शासन जाना जाता है, गुड गवर्नेंस के शासन के लिए बहुत गलत बात है। मैंने हम सारे लोग इतनी मेहनत करें, इतना सारा कुछ काम करें और उसके बाद सबको ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना अर्जी लेकर के चला जाए कि उनकी जो थाने की जो समस्या है थाने की समस्या का निदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी। जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिसमें शहर का विकास होगा। बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले के जो स्थानीय कलाकार हैं जो कि रंगमंच, म्यूजिक, ड्रामा के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए प्रेक्षागृह को बनवाया गया था जिसका रेंट 3,50,000 व 1,90,000 था, जिसको देखते हुए स्थानीय कलाकारों के लिए बड़े हॉल का 50,000 व छोटे हॉल का 25,000 कर दिया गया है, जिसके लिए जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, जिनके लिए काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जो महायोजना बन रही है इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझाव को महायोजना में शामिल किया जाएगा, साथ ही नागरिकों से भी सुझाव लिया जा रहा है, उनके सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद सभी सुझाव पर विचार करने के बाद महायोजना को बोर्ड के साथ बैठक करके पास कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DFO विकास यादव, सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, संपन्न हुई गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 120वीं बैठक एक कार्यवृत्ति की अधिपुष्टि पहले मास्टर प्लान का था, तो उसमें ढेर सारे वो थे मिशन जियानो इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड था और उनका DPR 1 सप्ताह में फाइनली हमको मिल जाएगा, तो उन्होंने आश्वासन जो दिया है हमको, जिसमें अलग अलग तो कई मिल गए हैं लेकिन एक समय के रूप से अभी टोटल नहीं मिल पाया सर, तो वो हमको 1 सप्ताह में मिल जाएगा। बाकी ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंतर्गत क्लीन स्ट्रीट फूड के हब बनाए जाने के ये था सर, तो वो 34 सेट बनाए गए थे जिसमें से 35 का आवंटन हो चुका है सर, एक बचा हुआ है। इसमें कोई आ रहे हैं अभी? हाँ, सड़क पर रहते हैं सर। तो ये इंश्योर करा लीजिए सभी लोग लिटरली जो बाउंड्री है बाउंड्री तो आ जाते हैं और पूरा मेन वो आ जाते हैं, गली का तरह चला लेंगे ना तो आदत हो जाए, आदत हो जाए। दूसरा चीज है दाल की पार्ट है उसी में लोग फेंकते हैं हमेशा, इसलिए उनको कहते हैं वो नहीं कह रहा था, थोड़ा थोड़ा बड़ा कैंपेन है उसको वहाँ पे
लेक्चर एनजीटी के नोटिफिकेशन के संदर्भ में था सर, माननीय एनजीटी न्यायालय के सभी आदेशों का पालन किया जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में जो प्रयोग हो रहे हैं, एक आदत हाइड्रोलिक ट्रॉली, दो आदत ट्रक, तीन मशीन, ये सर ले लिया गया है। सस्ता तो वही पड़ेगा ये दूसरे से, तो वर्कआउट कर दिया सर। ठीक है सर, ठीक है, डिस्पोज करना है उसके लिए जो व्हीकल चाहिए, क्या उसको GDA खरीदना चाहिए या GDA इसको आउटसोर्स करके हम लोग किसी एजेंसियों को नियुक्त कर दें, जब जरूरत पड़ेगा वो प्रोवाइड करेंगे, हम पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे, कोई ऐसा मिल सकता है? नहीं सर, ऐसा कि जो व्हीकल लगा सकते हैं हो सकता है जो कि ठीक रहेगा। दूसरा ये कि अपना परचेज करें सर, तो पता दीजिए पूरा मामला क्या है। स्टेशन रोड पर दुकानें बनी हुई हैं, उनकी दुकानें तो एक्चुअली हुआ क्या था, आप ये दिख रहा है, ये स्टेशन रोड देखिए, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक थी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एनजी रघुवर सर, जो यहाँ के आयुक्त भी हैं, उनके द्वारा आज बैठक संपन्न की गई है और बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं जिससे शहर का सुनियोजित विकास होगा। जिसमें जो पहला चीज़ जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है आज आयुक्त महोदय द्वारा, वो ये था कि जो स्थानीय कलाकार हैं, जो यहाँ पे रंगमंच के माध्यम से या अन्य किसी म्यूज़िक या ड्रामा के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए जो प्रेक्षागृह है हमारा, प्रेक्षागृह में अभी जो उसका रेंट था वो बहुत ज़्यादा था, 3.5 लाख रुपए और 1,90,000 था, तो उसको स्थानीय कलाकारों के लिए बड़े हॉल का 50,000 रुपये और छोटे हॉल का 25,000 रुपये कर दिया गया है। इससे जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सांसद गोरखपुर के सांसद हैं, वो स्वयं कलाकार हैं, तो उनकी भी ये डिमांड थी और सभी स्थानीय कलाकारों की ये डिमांड थी, तो इससे काफ़ी एक अच्छा मैसेज आएगा। सर आप किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या पास और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि जैसे कि जो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान का कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि मास्टर प्लान जो गोरखपुर का बनेगा वो सभी विभागों से समन्वय करते हुए उनका सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझाव को मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इसके अलावा पब्लिक से भी सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझावों को उसमें लगाया जाएगा, उसके बाद पूरे शहर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी विभागों का सुझाव रहेगा और सभी पब्लिक का सुझाव रहेगा, तो वो उनके हिसाब से ही बनेगा और गोरखपुर के विकास में बहुत अच्छा एक योगदान रहेगा सबका। महायोजना थी उसके बारे में क्या बोर्ड की बैठक में क्या हुआ?
जी, इसमें जो महायोजना गोरखपुर की विकास की महायोजना जो पूरे शहर की बनाई जा रही है, उसमें आयुक्त महोदय का ये निर्देश दिया है उन्होंने कि जितने भी गोरखपुर में विभाग हैं, चाहे वो जल निगम हो, सिंचाई हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो एवं अन्य जितने भी विभाग हैं, उन सभी से इस महायोजना में एक बार पुनः उनके सुझाव ले लिए जाए और जो भी उनके सुझाव हैं या जो भी उनकी आपत्तियां हैं उसको जो है इस महायोजना में सम्मिलित कर लिया जाए। तो ये सर ने इसको निर्देशित किया है, तो उसी के क्रम में इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जो गोरखपुर के टाउन प्लानर हैं हितेश कुमार, वो पिछले एक हफ्ते से हर विभाग में जा जाके उनको अपनी महायोजना में जो भी सुझाव है उसको मीटिंग के माध्यम से ले रहे हैं। तो ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब इसको महायोजना को बोर्ड में रखा जाएगा पास होने के लिए। सर ये कब तक प्रस्तावित है मतलब होने को? ये जैसे कि मुझे लगता है कि जो जो भी विभागों से उनका कंसल्टेशन लेना है इसमें 15 दिन का समय लगेगा। एक हफ्ते का हो गया है, 1 हफ्ता 10 दिन और लगेगा। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 4 व 5 जून महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में सड़कों पर साफ सफाई, निवास स्थल पर व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसके लिए सभी विभागों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिनके द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, तो ये रेकॉर्ड में रखना है कि बारिश क्या हुआ, मैं इसलिए आपको बता दूं, मौसम का क्या बताया आपको, मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं होता है तो सर कल साथ में थे, वहाँ किस तरह सीटिंग होगी और लगभग सर रहेंगे जिनका अलग से डीडीएफ टाइप रहेगा और उधर से बाकी लोग, और अलग से सीटिंग इस तरह रहेगी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी टेबल डाइनिंग टेबल होती है उस तरह डाइनिंग टेबल लगी रहेंगी और हर टेबल के अराउंड 10 कुर्सियां लगी रहेंगी, इस तरह लोग बैठे रहेंगे। पहले राष्ट्रपति महोदय अपने उससे गेट से एंट्री किए, पहले सबसे वो जाके उसका मिले सबके पास टेबल पे जाके। इस बीच सर चेंज ये रहेगा कि जो 150-200 सीटिंग वाले लोग रहेंगे वो पहले से आके वहाँ बैठे रहे और व्यवस्थित रूप से बैठे रहे, उनका जो एंट्री है सर वो दूसरे रास्ते से, अगर आपने देखा था उसी रास्ते से उनकी एंट्री होगी, तो उनसे सबसे सर वो जाके मुलाकात कर लेंगे और उसके बाद वापस अपना आगे यहाँ बैठ जाएंगे। बैठने में फिर वही सर सेम पैटर्न रहेगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, गवर्नर महोदय और सीएम साहब, इतने लोग रहेंगे, बाकी जनप्रतिनिधि बैठ रहे हैं। तो ये सर सीटिंग जो है आप वही सर मंत्री से बात करके ये सीटिंग सर क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हाई लीज स्तर पे कार्तिकेय मिश्रा जी बीडीओ खुलनी है, 2 पार्किंग स्थल बन रहे हैं, एक जो हिंदू सेवा आश्रम यहाँ पे जनता दर्शन दूसरा वाला लगता है उसके अंदर बड़ा सा खाली जगह है, क्योंकि 150 लोग ही आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं रहेंगी, 50 से 60 गाड़ी मान सकते हैं, गाड़ियों का वो पहले से बात हो जाएगा कहाँ पे किसी गाड़ी खड़ी होगी। कुछ सर हिंदू भवन के पीछे जगह है जो हम लोग कल देख के आए थे, वहाँ सर नगर निगम का काम वहाँ करना है, कुछ वहाँ पार्किंग, कुछ सर वहाँ सेवा। विजय जी और वीडियो साहब जो है कार्तिकेय मिश्रा जी, पहले से फूड की टीम ये वो सारे जो सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं सब चीजें होती है सब आप करा, 15 से लेके 7:45 तक का मिनिमम, तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम रहेगा, देख लेंगे। अगर माइक सिस्टम की मांग करेंगे वहाँ पे, अगर मान लीजिए कहते हैं माइक व्यवस्था भी हो जाएगी, आप बता दीजिएगा तो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। एक चेंज बताया है, वो चेंज ये है मंदिर में आई के बाद वो सीधे उनकी गाड़ियाँ लगी होंगी फ्लिट की, आप वो वहाँ से निकल जाएंगे, मंदिर से निकलने के बाद या तो पहला जो प्रोग्राम अनुमोदित, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं दिनांक 4 और 5 जून को राष्ट्रपति महोदय महामहिम हमारे जनपद में आ रहे हैं और उसकी तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की गई थी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, जो कि एक समन्वय बैठक थी जिसमें हमें उनकी तैयारियों को लेकर क्या क्या कार्य करने हैं, सड़क पर क्या व्यवस्था करनी है, उनके निवास स्थल पर जहाँ पर रुकेंगे उसमें क्या व्यवस्था करनी है, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ उनका भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ करनी है, उसी को लेकर विभिन्न विभागों के जो कार्य
करने हमको लेकर निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागों ने अपना काम पहले से ही प्रारंभ भी कर दिया है, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक माननीय एसीएस होम सर और एडीजी सर के द्वारा विजिट किया गया था गोरखपुर जनपद में और सबको निर्देश दिए गए थे। तो कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी प्रगति पर है और हम लोग एक अच्छे तरीके से इस विजिट को संपन्न कराएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। देश में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। नागरिकों की समस्याओं के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जीडीए बोर्ड के 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महायोजना के लिए जनपद के सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बोर्ड के बैठक में रखकर दिया जाएगा पास। रंग कर्मियों के लिए बड़े हॉल का किराया 50,000 व छोटे हॉल का किराया 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव हुआ पास। चार जून को प्रस्तावित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर बनी चैंपियन। गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली, कहा रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की गई अपील। सोनबरसा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा तथा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत तथा समस्या का समाधान हेतु दिए सुझाव। पूरे विश्व में मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस। एमडीएचएस डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा तंबाकू खाने से हर साल 80 लाख लोगों की होती है मौत। और खोराबार टाउनशिप में जीडीए के द्वारा मेदांता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जा रही है तैयारी। हॉस्पिटलों से की जा रही है बात, जीटीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को कारमल रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आयुष सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी मरसुआ थाना जीरादेई जनपद सीवान बिहार, दूसरा अभय प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय रणधीर सिंह निवासी पत्थरहट थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 31 मई को अभियुक्त आयुष सिंह व अभय प्रताप सिंह से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23 मई को हम लोगों ने मिलकर रीजनल स्टेडियम के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी किए थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग खर्चे के लिए अक्सर इस तरह की चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम दोनों मिलकर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चोरी किए थे, जिसे बिहार ले जाकर अनजान व्यक्ति को बेचकर पैसा खर्च कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, एम्स चौकी प्रभारी हिमांशी पांडे, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल पारसनाथ राकेश यादव शामिल रहे। प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता जो 23 मई से 28 मई तक मेरठ में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हिमांशु सिंह और अजीत यादव ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। इस टूर्नामेंट में बालिका वर्ग से रागिनी निषाद, अंजलि चौहान, आंचल चौहान, दीपिका चौहान और आराध्या सोनी ने प्रतिभाग किया और बालक वर्ग से अंकुश चौहान, आकाश चौहान, हिमांशु सिंह, अजीत यादव, सक्षम चौहान, अभिषेक कुमार, आकाश यादव, अमरीश यादव, श्रेयांश प्रजापति, प्रिंस यादव ने प्रतिभाग किया। इस टूर्नामेंट में बालिका वर्ग की कोच ममता भारती तथा बालक वर्ग के कोच संतोष कुमार रहे। इस अवसर पर गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें गोरखपुर मंडल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दीं। जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि गोरखपुर मंडल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर उपलब्धि हासिल किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें चैंपियन टीम गोरखपुर के नाम दर्ज हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश में गोरखपुर मंडल सर्वप्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तैराक खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हूँ और यहाँ जो बच्चे कंपटीशन के लिए गए थे, स्विमिंग कंपटीशन हुआ था मेरठ में, तो वहाँ से बच्चे जीत के आए, तो उनसे हम बात करते हैं, उन्हें इस समय कैसा लग रहा है वहाँ से जीत के आने पे गोरखपुर। तो आप लोग इस समय मेरठ से यहाँ गोरखपुर वापस आए, आज आप लोग वापस आए हैं? हाँ, आज ही वापस आए हैं मेरठ से। कितना दिन का आप लोग का प्रोग्राम था वहाँ पे? वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस समय जीत के वहाँ से आए हैं, आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत खुशी हो रही है, वहाँ से चैंपियनशिप उठा कर गोरखपुर मंडल को लेकर आए, मेरठ से लेकर आए। तो इसके लिए आप किसको किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? हम अपने कोच को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हम लोग को यहाँ से ले गए थे। और
सर आप बताइए, बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, आपको क्या लगता है बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? परफॉर्मेंस की बात करें तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और मैम, ये हमारा जो अजीत है, अजीत ने इंडिविजुअल चैंपियन सिंगल हुआ है मैम। अच्छा, हाँ इंडिविजुअल इन्होंने जीत, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप बताइए, आप कितना मेडल दिए, कितना मेडल आया? हमारा 6 मेडल आया, जिसमें से 5 गोल्ड और 1 सिल्वर था। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। कितने दिन रहे आप लोग वहाँ पे, कैसे चला, आप लोग कुछ बताए इस बारे में? 3 दिन चला आप लोग का प्रोग्राम, तो आप लोग तीनों दिन थे। कैसे आप लोग, फर्स्ट डे कैसा गया था? बहुत अच्छा गया। तो ये बच्चे थे जो अवार्ड जीत के गोरखपुर लाए हैं मेरठ से, इन लोगों को और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम को बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मेरा नाम अंजनी कुमार मिश्रा है, मैं स्विमिंग सेक्रेटरी हूँ गोरखपुर का। सबसे पहले जितने भी प्लेयर हैं सबको बधाई दूंगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वहाँ मेरठ में। जो पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे वहाँ पहुँचे थे, जिसमें कि गोरखपुर मंडल के बच्चे पूरा चैंपियनशिप लेके आए और बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, जिसमें कि बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। जिसमें कि बच्चों ने 13 गोल्ड लिया सारे बच्चों ने मिल करके, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिससे कि गोरखपुर मंडल को चैंपियनशिप हासिल हुआ है। क्या कहेंगे बाकी गाँव के लिए? बाकी मैं कहना चाहूँगा, बच्चे अभी नेशनल के सेलेक्ट होंगे और मैं चाहूँगा बच्चों से कहना चाहूँगा कि आगे के कंपटीशन के लिए और अच्छा प्रिपरेशन करें, कि नेशनल में मेडल लेके आए और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। गोरखपुर बच्चों ने मेरठ में जाकर अपना नाम रोशन किया, बहुत ही स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है गोरखपुर मंडल के बच्चों ने, स्विमर्स ने। और इसमें अभी जो टीम यहाँ से गोरखपुर मंडल की गई थी, उसने 13 स्वर्ण और 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार से टीम चैंपियनशिप गोरखपुर के नाम दर्ज हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश में सबसे गोरखपुर मंडल जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। हमने ढेर सारी शुभकामनाएं सारे खिलाड़ियों की दी हैं और हमें आशा है आने वाले समय में कि यहाँ से बहुत अच्छे तैराक निकलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। छोटे खिलाड़ियों के माध्यम से और बाकी खिलाड़ियों क्या संदेश चाहेंगे खेल के माध्यम से? खिलाड़ी स्विमिंग के क्षेत्र में लगातार अपनी प्रगति कर रहे हैं और वे अभ्यास करते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल हैं और बहुत ही सारे खिलाड़ियों को जो है बहुत गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है अभ्यास का, तो यहाँ स्विमिंग पूल रेगुलरली चलते हैं, उनके लिए कोचेज़ हैं, लाइफ गार्ड हैं, तो सुविधाएँ सब हैं। इसी यही कारण है कि बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 18 मंडलों में गोरखपुर मंडल जो है वो मेरठ से जीत कर वापस आया, तो मैं इन सारे बच्चों को बधाई देती हूं। पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, गोरखपुर न्यूज़। मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की जानकारी देने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा सीतापुर आई हॉस्पिटल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन के संगठन एवं डॉक्टर द्वारा तंबाकू जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों में संदेश दिया गया कि लोग तंबाकू का सेवन न करें, क्योंकि तंबाकू से कैंसर सहित अन्य बीमारियां होती हैं। कैंसर होने के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तंबाकू के सेवन से अपने आप की और परिवार की क्षति होती है। कैंसर के इलाज के लिए परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, चली जाती है जान, नशे की जिसने डाली है आदत, मौत की मिली है उसको दावत, सबको जागरूक बनाना है, देश के नशे को दूर भगाना है। तंबाकू करते हैं नुकसान, इनको खाने से चली जाती है जान, नशे की जिसने डाली है आदत, मौत की मिली है उसको दावत, सबको जागरूक बनाना है, देश के नशे को दूर भगाना है। हर किसी से बचने के लिए कहना, तंबाकू से हमेशा दूर रहे। Thank you.
अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर साहब लोग आए थे कल और उन्होंने एक परमिशन भी ली थी हमसे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों के लोग और हमारे सम्मानित चिकित्सक बंधुओं के द्वारा एक रैली निकाली गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू के बारे में जागरूक किया जाए कि उसका सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू से सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की बीमारी या अन्य बीमारियाँ होती हैं, उससे बाद में जब बीमारी हो जाती है तो परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है, इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है और एक परिवार तंबाकू के सेवन का जो दुरुपयोग होता है, उसका दुष्प्रभाव होता है, उससे जो परिवार पर बाद में आर्थिक क्षति और उसके परिवार में क्षति होती है, उससे जागरूक करने के लिए आज रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनबरसा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा तथा यातायात जागरूकता के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ किया गया एवं समापन शोभा यात्रा के पश्चात हुआ। शासन के मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान एवं यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में छात्रों के बीच रंगोली बनाना, यातायात संबंधित निबंध लेखन तथा अन्य विषयों पर स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के बीच अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, प्रिंसिपल डॉक्टर डी एस अजीथा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसी जार्ज तथा निरीक्षक यातायात श्री मनोज राय व अन्य शिक्षकगण तथा छात्र उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर द्वारा छात्रों को विशेषकर युवा वर्ग का समाज में अहम भूमिका के संबंध में अवगत करते हुए यातायात नियमों की अच्छी जानकारी करने, सही ढंग से जानकारी करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा यातायात जागरूकता तथा यातायात नियमों का पालन हेतु लोगों को संदेश देते हुए गोरखपुर जनपद में 2021 में सड़क दुर्घटना में 264 लोगों की मृत्यु लापरवाही के संबंध में अवगत कराते हुए गोरखपुर की जनता की सड़क दुर्घटना में सुरक्षा करने हेतु पुलिस की प्रतिबद्धता के संबंध में बताया गया। यातायात जागरूकता को गोरखपुर के सभी थानों द्वारा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के एवं दुर्घटना की अधिकता को देखते हुए यातायात जागरूक करने हेतु कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर द्वारा दुर्घटना से होने वाली मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से क्षति के बारे में बताते हुए क्षतिपूर्ति नहीं किए जाने एवं दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति की सड़क पर दुर्घटना में उसकी सहायता करने हेतु तथा अस्पताल तक पहुँचाने में मदद करने तथा दुर्घटना होने पर व्यक्ति की मदद करने पर सराहनीय कार्य करने के लिए सरकार द्वारा गुड समेरिटन नेक नागरिक को पुरस्कार से प्रोत्साहित करने की बात भी बताई गई। सड़क दुर्घटना में 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके बारे में बताते हुए कम उम्र के लोग बाइक स्टंट न करने तथा हेलमेट का प्रयोग बराबर करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही गोरखपुर यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 8081208567 से भी अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत तथा समस्या का समाधान हेतु सुझाव दिए जाने हेतु भी कहा गया, जिससे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के यातायात पुलिस गोरखपुर को सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की यातायात व्यवस्था को मॉडल के रूप में विकसित कर एक सुरक्षित प्रदेश बनाने के संकल्प को पुनः दोहराते हुए उत्तर प्रदेश को एक दुर्घटना मुक्त राज्य बनाए जाने तथा शहर के विभिन्न चौराहों पर ITMS द्वारा यातायात नियमों का पालन कराने हेतु अनाउंस तथा स्क्रीन द्वारा यातायात नियमों का प्रचार और प्रसार किए जाने की बात कही, जिससे लोगों में जागरूकता आए तथा नियमों का सही ढंग से पालन कर छात्र छात्रों द्वारा हेलमेट का प्रयोग कर स्वयं की सुरक्षा के लिए किए जाने को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस की गाड़ी को ट्रैफिक रहित सुगम रास्ता देने एवं घटना दुर्घटना होने पर कम से कम समय में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने तथा एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर ₹10,000 का जुर्माना के संबंध में बताया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर द्वारा दिए गए निर्देश एवं सुझावों का वहां पर मौजूद कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, प्राचार्य डॉक्टर डी एस अजीथा, उप प्रधानाचार्य श्रीमती प्रिंसी जार्ज, कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमती अंजलि गुप्ता, श्री प्रभु एम,
एवं सुश्री शिवांगी धर दुबे तथा सभी छात्र छात्राओं व अध्यापक अध्यापिकाओं ने सहज स्वागत करते हुए यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करने एवं सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित की मदद करने हेतु प्रतिबद्धता दिखाई। पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को तंबाकू खाने से होने वाले रोग के बारे में बताया गया, जिसके संबंध में MD चेस्ट डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि तंबाकू दिवस हर साल मनाया जाता है। तंबाकू खाने से होने वाले बीमारियों में आने वाले आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 80 लाख लोगों का तंबाकू खाने से हर साल मौत हो जाती है। इसे खाने से होने वाले रोग जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लकवा जैसे तमाम बीमारियों की होती है। उन्होंने बताया कि युवाओं में इसकी लत ज़्यादा पाई जाती है तथा ज़्यादातर उत्तरी उत्तर प्रदेश के लोगों का तंबाकू खाने का तरीका, वह लोग तंबाकू फाँक कर खाते हैं तो उनके जो फाँकने का तरीका होता है उससे मुँह का कैंसर होता है, जिसमें लोगों के साथ साथ वातावरण को भी प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए MD चेस डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, आज 31 मई को पूरे विश्व में नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना कि ये खाने की तंबाकू क्या करता है, इससे क्या विषय होती है, तंबाकू के वजह से जो आने वाली बीमारी होती है उसके बारे में बचाव करने के बारे में उद्देश्य बताया जाता है। इसका उद्देश्य ही कि पब्लिक के बारे में कि तंबाकू के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं और उससे कैसे बचा जाता है, इसी उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में विश्व नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। WHO के अनुसार हर साल 80 लाख लोग यानी 8 मिलियन तंबाकू के होने वाली बीमारियों के कारण मौत हो जाती है। जिसमें जैसे मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, स्ट्रोक यही लकवा जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां, हृदय रोग जिसे कहते हैं, होती हैं। अक्सर टाइप टू डायबिटीज़ भी इससे होने का कारण होता है। अक्सर देखा गया है कि युवाओं में इसकी लत बढ़ जाती है, तो इससे बचाव के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि युवा इससे कैसे बचें और इसके हानिकारक इफेक्ट के बारे में उनको बताया जाता है ताकि वो बचने के लिए और उत्तेजित हो और उससे लगन पैदा करें। कितनी उम्र के लोग ज़्यादा? अक्सर देखा गया है कि यंग एज में, एडोलसेंट एज में, अक्सर स्कूल वाली एज में बच्चों में तंबाकू खाने, सिगरेट पीने की लत लग जाती है। और ख़ास से जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, ईस्टर्न UP, इसमें गुटखा, खैनी, तंबाकू को अक्सर तंबाकू फाँक करके लोग खाते हैं। इससे कैंसर मुंह के अलावा जो फाँकते हैं वो फेफड़े में जाता है, उससे फेफड़े बीमारी जैसे एस्मा, COPD, कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि तंबाकू होने वाले जो हानिकारक इफेक्ट हैं और इसके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में बताया जाए और इससे जागरूक किया जाए और इससे कैसे बचा जाए। आजकल तंबाकू छोड़ने के लिए एक तो विल पावर चाहिए, दूसरे दवाएं भी मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं। अगर कोई भी आदमी तंबाकू छोड़ना चाहे तो दवा का भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे इसे रोका जा सकता है और इससे होने वाली हानिकारक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से हर साल WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिससे पब्लिक इसके बारे में हानिकारक इफेक्ट जागरूक हो और इससे बचे सके और होने वाली बीमारियों से बच सके। क्या अपील करना चाहेंगे लोग हैं? अपील क्या करना चाहेंगे? हम ही करना चाहेंगे खासतौर से यंग लोगों को कि तंबाकू इतना खतरनाक है, हर तरह की बीमारी पैदा करता है, इसके हानिकारक इफेक्ट बहुत हैं, इसके इस्तेमाल से बचें और इसके प्रभाव से बचें और अपना जीवन स्वस्थ रखें। और ये भी देखा गया कि तंबाकू मनुष्य के अलावा इन्वायरमेंट को भी यानी वातावरण में भी ये इफेक्ट डालता, प्रभाव डालता है। इसीलिए इस हर साल एक थीम के साथ विश्व तंबाकू दिवस मनाया, जिसे दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ और सही रखें, जिससे कि उस इन्वायरमेंट से भी बचाव हो, उसके खतरे से बचाव हो और मनुष्य स्वस्थ जीवन शैली जी सके। थैंक यू। GDA के द्वारा खोराबार टाउनशिप में मेदांता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि GDA के द्वारा खोराबार में प्रस्तावित अत्याधुनिक टाउनशिप में मेदांता एवं अपोलो जैसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। टाउनशिप में विकसित किए जाने वाले मेडिसिटी में करीब 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्थान मुहैया कराया जा रहा है।
ईडी अधिकारियों की ओर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ वार्ता शुरू कर दिया है। प्राइवेट एरिया में बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खुलने से गोरखपुर बिहार सहित आसपास सुविधाएं और बेहतर हो सकेंगी। वहीं जीडीए की ओर से खोराबार में करीब 170 एकड़ क्षेत्रफल में आधुनिक तरीके से विकसित की जा रही है। इसके लिए लेआउट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगले कुछ दिनों में इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए खोराबार जो योजना है हमारा, खोराबार शुरू से ही एक मेडी सिटी के रूप में लॉन्च करने की योजना रही है और काफ़ी दसियों साल से उस पर प्रयास रहा है। तो अभी जो प्राधिकरण में टीम है उन्होंने खोराबार को इस बार लॉन्च करने का निर्णय लिया है और खोराबार में जो प्रोजेक्ट पूरा बनाया जा रहा है उसमें 10 दिन और लगेगा लॉन्च होने से पहले। तो उस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास बात है कि उसमें 3 बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए उसमें प्लॉट चिन्हित किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो लखनऊ में हैं, जैसे मेदांता है, अपोलो है या मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली नोएडा में, इस तरह के जो बड़े बड़े अपोलो है, इस तरह के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो गोरखपुर में भी आएँ और यहाँ पर वो अपना इस्टैब्लिश करें। उसका कारण ये है कि गोरखपुर में मेडिकल का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गोरखपुर बिहार नेपाल आसपास 3 से 4 करोड़ लोग और उनके परिवार यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल आएंगे तो उनको भी हॉस्पिटल का भी फ़ायदा रहेगा और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। इसी को देखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि खोराबार में जो हम योजना लॉन्च करेंगे वो हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द ही लॉन्च करेंगे। तो 3 तो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रोविज़न दिया जा रहा है उसमें, इसके अलावा भी 10 छोटे छोटे हॉस्पिटल का प्रोविज़न उसमें दिया जा रहा है। इस पर कार्य चल रहा है, उम्मीद है कि 10 दिन में इसको फाइनल करके इसको रेरा में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। देश में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। नागरिकों की समस्याओं के 100% निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जीडीए बोर्ड के 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महायोजना के लिए जनपद के सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बोर्ड के बैठक में रखकर दिया जाएगा पास। रंग कर्मियों के लिए बड़े हॉल का किराया 50,000 व छोटे हॉल का किराया 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव हुआ पास। चार जून को प्रस्तावित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर बनी चैंपियन। गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। कहा, रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की गई अपील। सोनबरसा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा तथा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत तथा समस्या का समाधान हेतु दिए सुझाव। पूरे विश्व में मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस। MD CHS डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, तंबाकू खाने से हर साल 80 लाख लोगों की होती है मौत।
अनुसार खोराबार टाउनशिप में जीडीए के द्वारा मेदांता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जा रही है तैयारी। हॉस्पिटलों से की जा रही है बात। जीटीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।